नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपने पहली वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार दिया है, तो इस वीडियो को भी आप लोग एंड तक जरूर देखेगा। यदि आपके पास समय है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा। तो दोस्तों, 5 सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पर रैटल स्नेक, यह अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे विशालकाय सांप है। इसकी लंबाई 3 से 6 फीट तक होती है। इसकी खास बात यह है कि यह सांप मरने के घंटे बाद भी काट सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह सांप दिखाई दे तो आप लोग इससे दूरी जरूर बना लें। उसके बाद में नंबर 2, कोबरा सांप। यह एक वयस्क कोबरा की लंबाई 6 फीट तक होती है। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बड़े से बड़े हाथी को भी पल भर में मार गिराता है। कोबरा एक ऐसा सांप होता है जो दूसरे जानवर के अलावा अन्य सांपों को, यानी कि जहरीले सांपों को भी अपना शिकार बना लेता है। यह एक ऐसा सांप होता है जो रहने के लिए घोंसले बनाते हैं और उन्हीं घोंसलों में अंडा देते हैं और अपने बच्चों की खुद ही देखभाल करते हैं। नंबर 3, रसेल्स वाइपर। यह देखने में अजगर और पाइथन के जैसा होता है और देखने में मोटा लगता है, यानी कि यह अपने शरीर में लगातार हवा भरता रहता है, हवा को कम करता रहता है। यह देखने में मोटा जरूर होता है लेकिन इसकी फुर्ती बिजली से भी तेज होती है, यानी कि पल झपकते ही आपको काट सकता है। इसका वेनम इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि इससे 20 मिनट में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 4, टाइगर स्नेक। यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक सबसे खतरनाक विशालकाय सांप है जिसमें लगभग 12,000 लोगों की मौत होती है इसके काटने से। टाइगर स्नेक का नाम इसके टाइगर जैसी धारियों के कारण पड़ा है। यह पानी में भी आसानी से तैर सकता है। यह इसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इसका फेवरेट फूड मेढक। मेढक ना मिलने पर स्तनधारी जानवर और पक्षी भी होते हैं। इसके काटने के बाद में आदमी 30 से 40 मिनट के अंदर मौत हो जाती है उस आदमी की। नंबर 5, ब्लैक माम्बा। एल्पिडा परिवार से संबंधित एक विषैला सांप है। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। औपचारिक रूप से किंग कोबरा के बाद में दूसरा सबसे लंबा विषैला सांप है। यह गहरे भूरे रंग के होते हैं और उम्र के साथ साथ इनका रंग काला रहता है, जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। खतरे की आशंका होने पर यह सांप सामान्यतः अंदर से अपने मुंह को काला कर लेते हैं और गर्दन को फैला लेते हैं। यह कभी कभी ऐसा फुफकारता है कि लगभग में 500 मीटर तक इसकी आवाज़ जाती है। यह पर्याप्त सीमा तक प्रहार कर सकता है। इसमें जो मुख्य रूप से टॉक्सिस यानी जहर पाया जाता है वो न्यूरोटॉक्सिन से बना होता है। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी जानकारी दी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।